साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। और झारखंड स्टेट के अंतर्गत अवस्थित एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हमें रेस्क्यू कॉल आया हुआ है। और रेस्क्यू कॉल है, देखते हैं आज आखिर क्या हमें रेस्क्यू करना पड़ता है। तो साथियों, सबसे पहले हमारा तमाम देशवासियों को, खास करके सावन के महीने में, ये पवित्र महीना चल रहा है, जिस तरह हम लोगों को, मुस्लिमों का पवित्र महीना होता है रमज़ान, उसी तरह सावन के इस पवित्र महीने में हमारे तमाम देशवासियों को सबसे पहले सावन की पहली सोमवारी को हमारे तरफ से आभार, अभिनंदन, जोहार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा स्नेक रेस्क्यू करना है। और साथियों, फ्री हैंडलिंग ना करें, रेस्क्यू टॉन्ग आया हुआ है। अब चलते हैं हम अपनी मंजिल की ओर, कि आखिर कौन सा स्नेक रेस्क्यू होगा आज। नमस्कार, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमारे रहीम साहब यहाँ कार्यरत है और यहाँ का समझ लीजिए इन्हीं का ही जिम्मे है टोटल। ये देख रहे, इतना बड़ा मीनार, जल मीनार है, यहाँ से पानी सप्लाई होती है। इन्होंने हमें फोन से सूचना दिया था। कहाँ है साहब? आइए, थोड़ा देर आगे हैं तो देखें इसमें सांप गिर। कहाँ गिर गया है साहब? तो ये बहुत बड़ा, कैमरा में कैद कीजिए, खास करके इसे कैमरा में ही कैद कीजिए। ये बहुत बिग साइज कोबरा स्नैक है, जो खास करके भोले शंकर जी के गले में यही नाग रहता है। अरे बाप रे बाप, वेरी बिग साइज कोबरा, वो भी साक्षात कोबरा। सावन के इस महीने में लोगों से अपील है कि आप पूरे लाइफ भर सांपों को कम से कम मारे नहीं, बचाने का प्रयास करें। सांप आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है। फिर से हम इस सावन के महीने में पहले सोमवारी को तमाम देशवासियों को हमारे तरफ से नमस्कार, आभार, अभिनंदन और जोहार। अब इसे हम बाहर की ओर उठाना चाहेंगे कि आखिर देखा जाए, ये प्योर स्पेक्टिकल कोबरा है साथियों। यही है नाग, जो खास करके शंकर जी के गले में रहता है। और ये बहुत जहरीला सांप है साथियों, देख रहे हैं ना, वाह, कुदरत का बनाया हुआ। आइए ना रहीम जी, आइए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब तक नहीं इस पर दबाव डालेंगे तब तक ये काटना नहीं चाहेगा। ऊपर से आदेश है, कहां से आदेश है, बैठिए ना, ऊपर से आदेश है, गॉड का आदेश है, ईश्वर का आदेश है, खुदा का आदेश है, भगवान का आदेश है। ईश्वर और अल्लाह, भगवान और खुदा सब एक है, पूजने का तरीका अलग है। ये हाथ अगर जुड़ जाए तो पूजा, और खुल जाए तो दुआ कहलाती है। यही हम बताना चाहते हैं तमाम देशवासियों से कि ये हाथ है, अगर शहद की तरह मीठा परिणाम चाहिए तो आप कम से कम, खास करके एक रहना सीखो। एक रहने से क्या होगा कि आप, मजबूती आएगा आपके अंदर। देखते हैं, मधुमक्खी एक तरह का खड़ा रहता है, हमेशा मधुमक्खी एक झुंड में रहता है। आप एक मधुमक्खी में पत्थर मारो, फिर देखिए रिजल्ट क्या होता है, सारे मधुमक्खी आपको काट डालेंगे। तो यही है स्पेक्टिकल कोबरा। हमें भी डर है, हमें भी कुछ क्षण के लिए काफी डर फील हुआ। तो साथियों ध्यान रहे, देख रहे ना, बिना बिन का सांप नाचता है। वाह वाह, कुदरत का बनाया हुआ, हमें नहीं लगता है कि हम इसे छू पाएंगे, फिर भी देखते हैं। हाँ 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 हाँ, ये हमें ऐसा लगता है काफी। एक बार जंगल को दिखलाया जाए, ये जंगली क्षेत्र होने के कारण ये रेंगते हुए, खास करके ये चौबच्चा में गिर गया। हिंदी में नाग, हिंदी में गेहुआन, बंगला में खरीस, बंगला में खास करके गोखुरो, और इंग्लिश नाम स्पेक्टिकल कोबरा। एक, दो, तीन, सोचिए ये ताबीज खा जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा। साथियों आज हम इसे छूना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें भी डर है, हमें भी डर है। ऐसा नहीं है कि हम में डर नहीं लगता है। तो साथियों सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा, और फ्री हैंडलिंग ना करें।
फ्री हैंडलिंग में जान जान चली जाएगी, तो ये हमारा रेस्क्यू बैग दीजिए ताकि हम उसमें रख सकें। तमाम देशवासियों से हमें अपील है कि सावन के खास करके पहली सोमवारी है, और जो भी सांप आपके घर में घुसते हैं उसे मारे नहीं, बचाने का प्रयास करें। सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा। देख रहे हैं, इसमें घुसना नहीं चाह रहा, लेकिन इसमें हमको सेफ्टी से ले जाना होगा, इसे बड़ा फॉरेस्ट में छोड़ देना होगा। घुसना ही नहीं चाह रहा। अब देखिए, उग्र रूप लेके ये काटने का मन बना लिया है। आइए इधर आइए, रहीम जी के जज्बे को हम सलाम करते हैं, और इन्हें हम फिर से एक बार सचेत करना चाहते हैं तमाम देशवासियों को, फ्री हैंडलिंग ना करें। फ्री हैंडलिंग से काफ़ी प्रॉब्लम होगा, जान जाने की चांस बन जाती है। बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, नारी को सम्मान दीजिए। इन्हीं साफ शब्दों के साथ, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जय हिंद, जय भारत, और हम कहेंगे गर्व से वंदे मातरम।